Hey दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवन हॉक ग्राफिक। टुडे इन वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिजाइन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा फोटोशॉप और यहाँ पे हमारा कैनवास। हम यहाँ से लेंगे न्यू लेयर, देन क्लिक करेंगे हम रेक्टेंगल टूल पे और यहाँ से हम बनाएंगे एक शेप। स्ट्रोक ऑफ करेंगे और फिल पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाला ले रही हूँ एंड देन हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको मैं थोड़ा टिल्ट करती हूँ एंड ओके। फिर हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे और क्लिक करेंगे सॉलिड कलर और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा डार्क। ऊपर वाले कलर को थोड़ा हम ब्राइट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डार्क है। देन हम लेंगे एक न्यू लेयर, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा और ब्राइट कलर ये एंड ओके। उसके बाद हम ये सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐसे अप्लाई करेंगे। फिर हम इसकी कॉपी बनाते हैं, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, कलर डोज इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड ओके। फिर से हम एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स एंड देन हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अब हम लेंगे और लाइट सॉरी ब्राइट कलर, यहाँ से हम ये सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम रोटेट करते हुए थोड़ा सा हम इसे अप्लाई करेंगे। ये ज़्यादा हो गया एंड ओके। अब हम इसे ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके करेंगे स्क्रीन ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं एंड ओके। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बेवल एंड एम्बोस, तो यहाँ से हमारा स्टाइल रहेगा वो रहेगा हमारा इनर बेवल और टेक्निक्स रहेगा वो हमारा रहेगा स्मूथ और डेप्थ रहेगा 100% सॉरी 1000 और साइज 0 और सॉफ्टन भी 0 बट हमारा एंगल है वो रहेगा हमारा -118 और यहाँ पे जो हमारा कलर है वो रहेगा हमारा वाइट ओके। और यहाँ से हमारा जो ब्लेंडिंग मोड है वो रहेगा सॉफ्ट एंड देन हम क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो पे, तो यहाँ से हम लेते हैं डार्क कलर ब्लैक और जो हमारा एंगल है वो है 133 और जो डिस्टेंस है 27 और साइज है 27 एंड करेंगे ओके। अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और उनका ग्रुप बनाएंगे। हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो एंगल है वो चेंज करते हैं ऐसे, पर जो यहाँ पे कलर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी बनाएंगे, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं, साइज को इंक्रीज करेंगे और इसके एंगल को थोड़ा चेंज करते हैं एंड करेंगे ओके। अब हम ऊपर वाले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा कलर है वो सेम रहेगा और यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करते हैं और इसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे सॉफ्ट ओपेसिटी थोड़ा डाउन और इसका जो ड्रॉप शैडो हम इसको भी चेंज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम इसे एंगल चेंज करते हैं और जो हमारा इसका बेवल एंड एम्बर्स है हम इसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं, कलर पे क्लिक करेंगे और हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं इससे थोड़ा सा ब्राइट हो ये। अब हम इस ग्रुप को ऑफ करते हैं एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है उसे लेके आएंगे, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड ओके। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है वो मुझे इस सिलेक्शन के अंदर फिल करना है, तो उसके लिए हम करेंगे ऑल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे हम लेके आते हैं इस लेयर के नीचे और कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल और यहाँ से हम करेंगे इस तरीके से चेंज। फिर हम
फिल्टर में जाएंगे ब्लर एंड मोशन ब्लर, तो हमारा यहाँ पे मोशन ब्लर रहेगा उसका एंगल 25 और डिस्टेंस रहेगा 25 एंड ओके। अब इस पर हम लेयर मास्क ऐड करेंगे और ग्रेडियंट टूल हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा ब्लैक होना चाहिए और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे एंड ओके। यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और इसके साइज को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से हम यहाँ पे एक शेडो बनाएंगे छोटा सा। लेयर मार्क से ऐड करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज करते हैं। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रखेंगे 50% ग्रे एंड ओके। अब हम इसको राइट क्लिक करके इसको क्लिपिंग मार्क कर देते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे ओवरले और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डोज टूल और यहाँ पे हम देंगे थोड़ा साइन इफेक्ट और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब हम बर्न टूल सिलेक्ट करेंगे और जहाँ हमें डार्क चाहिए वहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे जैसे इस वाले पार्ट पे और यहाँ, क्योंकि जो हमारा लाइट का इफेक्ट है वो इस तरफ से आ रहा है क्योंकि हमने शेडो इधर डाला है तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो हमारा इस तरफ से आएगा तो इधर का पार्ट जो होगा हमारा डार्क होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसे डार्क करना होगा। अब हम इसको थोड़ा हाइड करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए कुछ ऐसे, पहले पूरा एक कलर था बट अब हमारा इस तरफ से शेडो आ रहा है। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी कॉपी करके हम ऊपर लेके जाएंगे। हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू फिल्टर ब्लर एंड गॉशियन ब्लर और यहाँ पे हम इससे साइज रेडियस रखेंगे 6.4 एंड ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका स्क्रीन। लेयर मार्क ऐड करेंगे और इसे रिवर्स करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं और फोरग्राउंड में हमारा होना चाहिए वाइट। ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर है तो मैं इसे गॉशियन ब्लर पर डबल क्लिक करूँगी और इसे थोड़ा और कम करते हैं इतना 4 एंड ओके। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं और फिर हम इस रिंग को सिलेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इसका जो एक्सपोजर है उसे हम कम करेंगे इतना और गामा प्रोडक्शन भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब हम इसको रिवर्स करते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए। फ्लो थोड़ा और कम कर देते हैं ओपेसिटी भी। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा ग्लो इफेक्ट चाहिए तो इसके लिए हम न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेंगे और ब्राइट कलर और इस तरीके से हम ओपेसिटी कम करके यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम इसे ब्लेंडिंग मोड करेंगे चेंज, स्क्रीन करते हैं तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ा हम कम करते हैं इतना एंड ओके। अब हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इस साइड हमें थोड़ा सा ब्राइट चाहिए तो हम फिर से न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और सेम कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कर देते हैं थोड़ा कम। रिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे ग्रुप, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करते हैं एंड ओके। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एलिप्स टूल और यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल सॉरी शेप, स्टॉप ऑफ करेंगे और जो हमारा फिल है हम ये कलर सिलेक्ट करते हैं। फिर एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं, उसके साइज को हम करेंगे थोड़ा कम और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ब्राइट कलर, इसको हम थोड़ा करते हैं साइज इंक्रीज, यहाँ से करेंगे हम स्क्रीन और फिर हम इसी करते हैं कॉपी ओके। अब हमारा इसका ब्लेंडिंग मोड रहेगा लीनियर डोज और फिर एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, अब इस बार हम करेंगे थोड़ा वाइट ऐसे और इसका जो ओपेसिटी है हम कर देंगे कम
हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देंगे थोड़ा डार्क कलर ऐसे। फिर हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे क्योंकि हमें इसका शेडो बनाना है, तो उसके लिए हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो फोरग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको इस तरीके से चेंज करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके साथ इसको हम इसकी कॉपी करते हैं और इसके ब्लेंडिंग मोड को करेंगे ओवरले। देन फिर एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पे हमें नीचे से थोड़ा सा शेडो ज़्यादा चाहिए एंड देन ओके परफेक्ट। एंड देन हम इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका करेंगे ग्रुप कंट्रोल जे और साइज को थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेंगे न्यू लेयर और यहाँ से हम एक बनाएंगे सिलेक्शन और इस सिलेक्शन में हम फिल करेंगे ये कलर, तो उसके लिए करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसके साथ ब्लेंडिंग मोड कर देंगे स्क्रीन, फिल्टर पे जाएंगे और गॉजियन ब्लर, ओपेसिटी हो जाएगी हमारी कम और ब्लेंडिंग मोड रहेगा हमारा लीनियर डोज। फिर हम इसे कॉपी करते हैं और इस बार हमारा रहेगा ओवरले। अब इन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको करेंगे ग्रुप, नेम दे देते हैं बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लीफ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन हम एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे सॉलिड कलर, यहाँ से करेंगे हम वाइट, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। देन हम राइट क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसे करेंगे सेपरेट, थोड़ा और इन इसे ड्रैग करते हैं, अब हम इसे करते हैं सेपरेट। अब हम करेंगे ओके, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे गॉजियन ब्लर, इसके साइज को थोड़ा हम कर देते हैं इंक्रीज। अब हम इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अब इनको कॉपी करेंगे कंट्रोल टी और इसे हम राइट क्लिक करके करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से इसके साइज को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे कि कैसा सही लग रहा है। गॉजियन ब्लर पे क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा हम रेडियस करेंगे कम, इतना इसके साइज को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हम इस वाले लेयर पे सिलेक्ट करेंगे और साइड से हमारा थोड़ा ज़्यादा लाइट आ रहा है, तो लेयर मार्क पे क्लिक करेंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ से इसका कलर मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कलर बैलेंस और यहाँ से हम करेंगे इस तरह हाईलाइट, शेडो पे जाएंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे, ये देखिए इतना चेंज हुआ। अब हम इसी कॉपी करके इस वाले लेयर पर रखेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा डार्क करते हैं एंड ओके। ये मुझे कुछ ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे और वाइब्रेंस पर क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा कर देंगे कम और इसी लेयर को कॉपी करके हम दूसरे वाले लेयर्स पे भी रख देंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्सपोजर, जो हम कर देंगे कम, लेयर पे जाएंगे और लेयर मास्क सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ब्रश टूल अप्लाई ऐसे, गॉजियन ब्लर थोड़ा और अप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी कर देते हैं थोड़ा कम। अब इन सभी लेयर्स को हम करेंगे मर्ज, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर और यहाँ से हमारा टेम्परेचर रहेगा -2, टिंट भी -2, एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी, हाईलाइट, शेडो भी हम इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, वाइट
और अब हम यहाँ इफेक्ट पे जाएंगे और इस तरीके से साइज एंड थोड़ा डार्क अप्लाई करेंगे। हम बेसिक पे जाएंगे और जो हमारा शेडो है उसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। हाइलाइट्स इफेक्ट पे थोड़ा और अच्छे हम कम कर देते हैं। देन एंड नाउ तो आई होप आप सभी को मेरा आज का डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।